राहत साहब, कैसी तबीयत है? दर्द ठीक हुआ? तबीयत तो ठीक है, लेकिन सर में बड़ा दर्द है। मुझे ये बताएं, आप अपनी बात पे तो कायम है ना? कौन सी बात? पैसे वापस करने वाली? मैं विश हम रूल जाएंगे। रूल तो हम वैसे भी रहे हैं राहत साहब, अपनी हालत देखिए आपने। कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा महवेश, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। कौन सी बात? मैं खुद भी भूल गया था, लेकिन सारी रात मैं सोचता रहा हूँ। राहत साहब, आप ऐसे परेशान हो रहे हैं, हम पहले भी गुजारा कर रहे थे ना, अब भी कर लेंगे, अल्लाह मालिक है। नहीं, ये बात नहीं है, बस तुम वादा करो तुम परेशान नहीं होगी। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। नहीं, इस बात जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके बाद तुम परेशान नहीं होगी, वादा करो मुझसे। क्यों डरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं, तुम पक्का वादा करो, अगर तुम वादा पक्का नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, वादा है, बताएं क्या बात है? जिन लोगों ने मेरी ठगाई की थी ना, उन्होंने मुझे एक चीज भी दी थी। कौन सी चीज? गोली। कैसी गोली? थी तो वो डिस्प्रिन की गोली, लेकिन पैगाम था शीशे वाली गोली का। जान बचाने वाली गोली नहीं, जान लेने वाली गोली। या अल्लाह खैर। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अब सेल्फियां ले रही थी ना मामा, सेल्फियां ले रही थी ना? चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, उसमें शर्माने की क्या बात है? सब लेते हैं सेल्फीज, फ्रंट कैमरा तो बना ही इसलिए। चुप कर, कुछ सुन लेगा तो सुन ले। वैसे ये पिक्चर्स आप अपने पास रखना चाह रही हैं या कहीं देने का इरादा है? वहां पे शक करिए, कैसी बैठी है तू? चल इधर आ, बैठ इधर। सफिया ना, ओह माय गॉड, अब सच में सेल्फीज ले रही थी? मैंने तो ऐसी तुक्का मारा था। अच्छा सुन तो ले। यो, अगर कोई ऐसी वैसी बात है ना तो मुझे नहीं बताएं, मुझे नहीं सुनना। मीना चुप कर जा और मेरी पूरी बात सुन। मैंने ये सेल्फियां तेरे पापा को भेज रही थी। यो, मुझे ना ही बताती तो अच्छा था। ये पापा को कब से सेल्फियां भेजने लगी है? जब से उन्होंने भेजना शुरू की है। आप एक दूसरे को सेल्फियां भेजते हैं? समझे, मैंने तो ये सुना ही नहीं। मैं जा रही हूँ। बैठ इधर। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे शौहर हैं वो, और तू भी ना अपने पापा की इज्जत किया कर। खामोखा में मेरे कान भरती रहती है और खुद भी गुनहगार होती है। मुझे पता चल गया सब। क्या पता कर लिया? यही तेरी बातें, ऊपर से वो जुम्मा। तुझे पता है जुम्मा किसी बेचारे आदमी के पीछे पड़ गया, उसका पीछा कर रहा था ये समझ के कि तेरे पापा हैं वो, और अल्लाह माफ करे मैं बेवकूफ शक में पड़ गई। वो बंदा शक में पड़ ही जाता है ना, तो बस फिर मैंने तेरे पापा को बोला कि ना मुझे समुद्र के किनारे खड़े होकर ना अपनी पिक्से भेजे। पिक्से आना शुरू हो गई। ये पिक्से क्या होता? सेल्फियां। वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था ना, तो मैंने तेरे पापा को कहा कि समंदर के बीच में कश्ती में ना चप्पू चलाते हुए अपनी सेल्फियां भेजे। बस फिर सेल्फियां आना शुरू हो गई। ये आइडिया आपको किसने दिया? हाय, वो था मेरा, 100% मेरा था। अब तो तुझे यकीन आ गया है ना कि तेरे पापा समंदरों के बीचों बीच कश्ती में चप्पू चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए। अब तू भी ना उनकी इज्जत किया कर, उनकी पोचल से हट जा और मेरा साथ दे, कुछ पैसे कमा ले तो घर जाएं। और तेरे पापा भी ना ये इतनी मुश्किल नौकरी छोड़ के वापस आ जाए और यहीं कोई कारोबार शुरू कर ले। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या गलत होने का गम मनाना चाहिए?